हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में बेटा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ एक्सरसाइज 4.1 फिनिश कर दी है। अगर आपने वो दोनों वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप प्लीज ये जो वीडियोस हैं जरूर देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट की समझ हो जाए। एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। ओके, आपका स्वागत है ज्ञान अमन में, जहाँ पे हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करते हैं, मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीखते हैं, अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स लर्न करते हैं। तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 है हमारे पास आज। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। बेटा हमको आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स निकालने हैं। इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट समझा है, 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हमने 4.1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है। बेटा दोनों वीडियोस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ कोई एक्सरसाइज सॉल्व करी है, लेकिन हमने अभी तक कोई भी सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं किया है। आप प्लीज वो वीडियो देख लेना, हमने कोई भी सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, किस फॉर्म में होती है। अगर इंग्लिश में स्टेटमेंट गिवन है तो हमें उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे डेवलप करना है, उसको कैसे बनाना है। हमने पहले सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं इस फॉर्म में, That is ax square plus minus bx plus minus c is equals to 0. ये थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ये वाले। ओके, हमने पिछली वीडियोस में सिर्फ इनको बनाना सीखा है कि बनाते कैसे हैं, लेकिन अभी तक हमने इसका कोई भी सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं किया है। तो आज हम बात करने वाले बेटा रूट्स की। रूट्स का बेटा मतलब होता है सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। रूट्स का मतलब है सॉल्यूशंस, जो हम जो वेरिएबल की वैल्यू बात करते हैं, जो वेरिएबल होते हैं उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करने का पता ही नहीं है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आज हमको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स वेरिएबल होता है उसकी हमको आज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब है आज हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से बनती है जिसका पावर, जिसकी डिग्री होती है 2। आप यहाँ पे देख सकते हो जिसकी डिग्री होती है 2। तो इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमेशा बेटा 2 सॉल्यूशंस निकलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 सॉल्यूशंस आते हैं, 2 वैल्यूज आती है, या फिर कह लो 2 रूट्स आते हैं, 2 रूट्स आते हैं, 2 वैल्यूज आते हैं, 2 सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, चलिए कैसे करना है देखते हैं। ओके, तो बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमको रूट्स फाइंड आउट करने हैं, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, लेकिन किससे करने हैं, किस मेथड से करने हैं, फैक्टराइजेशन से करने हैं। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती है तो आप ये जो आई बटन आ रहा है इस पर क्लिक कर सकते हो। आपको मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, स्पेशली मैंने डिब्बे वाली फैक्टराइजेशन सिखाई हुई है, डिब्बे एक्स बनाने के साथ आप कैसे फैक्टराइजेशन अच्छे से कर सकते हो। ओके, तो आज हम ये करते हैं, ठीक है। पहले आप वीडियो देख लीजिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, अगर आपको आती है स्पेशल फैक्टराइजेशन तो हम ये देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमने हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बेटा देखो, सबसे पहले तो 2 डिब्बे बनाने हैं, तो दो डिब्बे या 2 डिब्बे 4 फिर। ओके, हम बाहर बाहर वाले मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0 बोल जाओ अभी, ठीक है। हमारे पास ये पॉइंट है अभी तक, आप समझो ये हमारे पास। ओके, बाहर बाहर वाले मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या है 1 इंटू माइनस 10 क्या होता है माइनस 10, यहाँ पे क्या आना चाहिए माइनस 10, और जो बीच में क्या है माइनस 3, बीच में क्या है माइनस 3। ओके बेटा, 2 ऐसे नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 10 बन जाएगा, प्लस माइनस करो तो माइनस 3 बन जाए। अगर सोचते हो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप नहीं सोचते, नहीं सोच सकते तो ये देखो 10 आना ना, वहां पे 10 के फैक्टर्स बना लो, बन गया 2 5 10 5 5। देखो 2 into 5 10, वेरी गुड, और 2 plus 5 आपसे कुछ कनेक्शन हो, 5 minus 2 का होता 3 होते हैं, तो बन गया 2 plus 5 2 into 5 10, और 5 minus 2 का तो 3 बन गया। ओके, तो ये मेरे पास बन गया, फैक्टर्स बन गए मेरे पास, क्या आएगा 5 और 2 2 और 5,
ओके 2 5 आ गए। देखो अभी मुझे चाहिए माइनस 3 चाहिए यहाँ पे, 2 में से 5 सॉरी 5 में से 2 माइनस करूंगा तो 3 आएगा पॉजिटिव, लेकिन मुझे नेगेटिव चाहिए ना, इसका मतलब कि बड़े नंबर जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव होना चाहिए, इस वजह से ये माइनस हो गया, ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस है, ठीक है। अब इसको अंदर लिख लो, अंदर लिख सकते हो आप, ये माइनस 5 ये माइनस 2 माइनस 5 माइनस 3 2 इंटू माइनस 5 माइनस 7 बन गया। वेरी गुड, तुमको पता है फर्स्ट एज इट इज होता है, लास्ट एज इट इज होता है, ठीक है, फर्स्ट एज इट इज लास्ट एज इट इज, ये स्प्लिट होता है। सो इसका आंसर स्प्लिट किया है 2 माइनस 5 दैट इज 2x माइनस 5x। वेरी गुड, ये बन गया। अब ये दोनों एक चीज होती है, ये एक चीज होती है, ठीक है। और देखो ये एक है, इसको भूल जाओ, ये वाला भूल जाओ, ये कुछ नहीं अभी तक, अब हमारे पास सिर्फ ये है, इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक चीज है, ये भूल जाओ सारा। देखो दो घर है हमारे पास, एक घर में 2x रहते हैं और एक घर में 1 2 रहता है और 1x रहता है, जो सेम से नंबर होते हैं तो बेटा वो बाहर घूमने चले जाते हैं, वो बाहर घूमने चले जाते हैं। इस घर में सिर्फ 1x चला गया बाहर और इस घर में सिर्फ x चला गया बाहर, दोनों बंदे सेम जाते हैं बाहर, ठीक है। इस घर में से 1x चला गया, इस घर में से x चला गया, तो क्या बच गया, अब हमारे पास इस घर में क्या बच गया, सिर्फ 1x और इस घर में क्या बच गया, 2 बच गया। सेम सेम बंदे बाहर चले गए घूमने चले गए, इस घर में क्या बचा, 1x, इस घर में बचा सिर्फ 2। अब देखो आगे क्या है, 5 × 5 आता है, 5 × 10 आता है, इस वजह से 5 और 10 दोनों कॉमन क्या है, 5, तो माइनस 5, ये माइनस का माइनस 5 कॉमन है। इस घर में क्या बचा, 1x, 5 × 10 कहाँ आता है, 2 पे, उसे दस हुआ। और जब माइनस 5 बार आता है बेटा अंदर साइन क्या होता है, चेंज होता है, अंदर साइन चेंज, जब हम माइनस बार लेते थे अंदर साइन चेंज होता है, बस सिंपल है। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, हमारे पास सेम है, और ये बार बार जो बार घूमने गए थे वो कौन से हैं, एक्स माइनस 5। दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास। अब एक बार ये कर लो, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दूसरी बार ये कर लो, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2 दिखा के माइनस 2 हो गया और एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 5 दिखा के 5 हो गया। राम के घर में पॉजिटिव, शाम के घर में नेगेटिव, राम के घर में नेगेटिव, शाम के घर में पॉजिटिव, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 5, ये दोनों सॉल्यूशन आ गए। मैं आपको पहले बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मुझे 2 सॉल्यूशन आते हैं, यहां पे भी 2 आए, ठीक है, ये आ गया हमारे पास x = -2 एंड 5। ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो बेटा सेकंड पार्ट है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, फिर वही काम करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, मल्टीप्लाई वाले बॉक्स प्लस माइनस वाले बॉक्स। ओके हमको पता है बार बार वाले मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू माइनस एक्स, हम ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए और सी, 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12, यहां पर होना चाहिए माइनस 12 होना चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए प्लस माइनस में, ओनली वन, यहां पे वन लगा, बी पता तो है आपको, ये ए होता है ये सी होता है, ए इंटू सी करना है हमारा मल्टीप्लाई होना चाहिए और ये बी नीचे होना चाहिए। सोचो कैसे बनेगा कनेक्शन, देखो 3 4 का 12 होता है और 3 और 4 में कनेक्शन ऐसे बनता है कि 4 में से 3 माइनस करके 1 आ जाता है, सिंपली क्या हो गया 4 × 3 4 3, देखो 4 × -3 नेगेटिव चाहिए ना, 4 × -3 -12, 4 − 3 1, वेरी सिंपल। देखो फर्स्ट एज इट इज होता है, लास्ट में एज इट इज होता है, बीच वाला सेलेक्ट हो जाता है, ये वन क्या बन गया 4 − 3 यानी कि 4x − 3x, दैट्स इट। हमारे पास ये क्या है, ये बन गया एक चीज, दूसरी चीज इस घर में, अब इसको भूल जाओ, इसको सॉल्व करो बस, एक घर में 2 रहता है और 2x रहते हैं, एक घर में सिर्फ 4 और x रहते हैं, 2 और 4 का कॉमन क्या है, 2 है, दोनों बार चले गए घूमने, ये इस घर से 1x और इस घर से 1x चला गया बाहर घूमने, यहाँ पे क्या बच गया, कला x और यहाँ पे क्या बच गया, 2 के टेबल 4 कहाँ होता है,
टू रहता है, एक्स तो पहले पार्ट चला गया तो फॉर्मूला थ्री बन गया। माइनस थ्री और सिक्स में से कॉमन क्या है, माइनस थ्री क्योंकि थ्री के टेबल में थ्री आता है, थ्री के टेबल में सिक्स भी आता है, सो माइनस थ्री कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचा अकेला एक्स, जब हम मैंने आपको बताया जब माइनस बार लिख देते हो तो अंदर साइन चेंज करके लिखना होता है, थ्री के टेबल सिक्स का आता है टू पे आता है, वेरी गुड। सेम ब्रैकेट मतलब क्या आंसर ठीक है, एक्स प्लस टू एक लिख ली बार, जो घूमने गए बार टू एक्स माइनस थ्री वो लिख ली बार, जीरो। अब एक बार दिस इज इक्वल टू जीरो और दूसरी बार दिस इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट टाइम दिस इज इक्वल टू जीरो, सेकंड टाइम दिस इज इक्वल टू जीरो, एक्स विल बी टू, ए टू इज पॉजिटिव ऑन लेफ्ट साइड, इट विल बी नेगेटिव ऑन द राइट साइड, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। नाउ टू एक्स माइनस टू उतर गया थ्री बन गया, एक्स से अकेला रह गया, एक्स के साथ क्या लगा टू लगा, नीचे शिफ्ट कर दो उसको, ये लो एक्स इज इक्वल टू थ्री बाय टू, सो वन जीरो ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज माइनस टू एंड अदर जीरो ऑफ एक्स इज थ्री बाय टू। ओके बेटा थर्ड सम हमारे पास अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव अंडर रूट टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखो बेटा क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है पहले बता दो, देखने में से अंडर रूट वाला नंबर लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन है बिल्कुल भी नहीं, अभी देखते हैं कैसे इसको इजी सॉल्व करना है। भाई देखो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, देखो हमको पता है हम बार बार में मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो बेटा अंडर रूट टू मल्टीप्लाई बाय फाइव अंडर रूट, समझ रहे हो अंडर रूट टू मल्टीप्लाई बाय फाइव अंडर टू, देखो जब हम अंडर रूट टू को अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा टू, अंडर रूट कट जाएगा, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू इज इक्वल टू और साथ में क्या है फाइव, सो टू इंटू फाइव दैट इज टेन, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू अकेला टू, टू इंटू फाइव टेन, तो यहां पर क्या चाहिए हमको टेन चाहिए और बीच में तो बताइए हमको सेवन चाहिए, ठीक है सोचो बहुत ईजी है ये तो, टेन प्लस के टेबल में आता है टू के टेबल इंटू फाइव सर टेन टू प्लस फाइव सेवन, वेरी गुड, सो टू इंटू फाइव दैट इज टेन, टू प्लस फाइव इज इक्वल टू सेवन बन जाएगा, वेरी गुड। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लूं, ओके तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट एज इट इज होता है, लास्ट एज इट इज होता है, ओके बीच वाला क्या करना है स्प्लिट किया है 2x प्लस 5x, ओके अब देखो अब आप कहोगे कि ये जो एक चीज है और ये जो दूसरी चीज है, फर्स्ट ये जो चीज है इसमें आपको लग रहा है कि सिर्फ x कॉमन होगा लेकिन x से बड़ा एक चीज और कॉमन है, देखो कैसे कॉमन है, एक चीज और कॉमन है, देखो ये जो 2 है ना ये कैसे बना होगा, ये ऐसे भी तो बना हो सकता है, टू इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू, वेरी गुड, इसमें आप ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू एक्स, टू का मतलब क्या है अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू, वेरी गुड, फाइव एक्स प्लस फाइव अंडर रूट टू, बस इजी करने के लिए मैंने लिखा, स्टेप से जरूरी नहीं, आप कर सकते हो उसको सीधा बाहर निकाल सकते हो जब हम कॉमन कर लेंगे, ओके अब देखो अंडर रूट टू यहाँ है अंडर रूट टू यहाँ है, दोनों अंडर रूट घूमने चले गए, दोनों घर में से एक एक एक्स घूमने चला गया, इस घर में क्या बचा सिर्फ एक एक्स और इस घर में क्या बचा एक अंडर रूट टू बचा, दो है ना एक बार चला गया एक्स ऑलरेडी बार चला गया, नेक्स्ट फाइव और फाइव में से कॉमन दोनों फाइव ही है, इस घर में क्या बचा अकेला एक्स, इस घर में क्या बचा अकेला अंडर रूट टू, आगे दोनों ब्रैकेट सेम, बस यही करना था, अब दोनों ब्रैकेट सेम है, लिख लो बाहर कौन कौन लेके आया था अंडर रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ओके आपको ये पता चल गया ना अंडर रूट टू एक बार आया एक एक्स 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 बार आया, यहां पर सिर्फ एक एक्स बच गया प्लस एक अंडर टू बच गया था वो अंडर टू, क्या फाइव फाइव में से फाइव ही कॉमन होता है और यहाँ पे क्या बचा एक्स प्लस अंडर टू
इसको एक बार कर लो, x प्लस अंडर रूट टू इज इक्वल टू जीरो, एक बार इसको कर लो, अंडर रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ओके, x विल बी माइनस अंडर रूट टू एंड अंडर रूट टू एक्स विल बी माइनस फाइव, उधर जाके माइनस फाइव और x क्या आएगा माइनस फाइव बाय अंडर रूट टू आएगा, ये कुछ आपका आंसर आएगा। फर्स्ट जीरो इज माइनस अंडर टू, सेकेंड जीरो इज माइनस फाइव बाय अंडर टू, ओके बहुत इजी है, सम जो है वो देखने में डिफिकल्ट लग रहा था लेकिन है बहुत इजी, ओके यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना ये जो टू है वो दो बार लिख सकते हो आप अंडर टू एंड अंडर टू, ओके तो चलो नेक्स्ट सम देखते हैं, ओके बेटा फोर्थ सम हमारे पास टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाय एट इज इक्वल टू जीरो, अब ये भी सम थोड़ा सा देखने में थोड़ा लग रहा है अलग सा लग रहा है लेकिन है ये भी बहुत इजी, ठीक है कैसे करते हैं देखते हैं। इसके आपको दो मेथड सिखाता हूँ, एक जो नॉर्मल मेथड होता है जो मैथ में ऐसे करते हैं और एक ट्रिक वाला मेथड, ठीक है ट्रिक सिखाऊंगा एक बात सिखाता हूँ, नॉर्मल मेथड सिखाता हूँ, ठीक है हमको पता है जब भी कोई चीज फ्रैक्शन में होती है, अब ये देखो ना ये भी तो वन में लगे हुए हैं, हर नंबर में जो क्या होता है वन होता ही होता है, जब भी कोई चीज फ्रैक्शन में होती है वो सीधी कभी भी प्लस माइनस नहीं करते, एड सब्ट्रैक्ट नहीं करते, डायरेक्टली नहीं करते, सबसे पहले काम करते हैं डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम, डिनोमिनेटर क्या है वन, ये क्या है वन लेकिन ये क्या है एट, सो डिनोमिनेटर्स ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम, कैसे करते हैं डिनोमिनेटर सेम करने के क्या होता है हमारे पास वन वन और एट के क्या होती है एलसीएम चाहिए, अब वन का और एट का एलसीएम क्या होता है वो तो पता ही बेटा सबको पता होता है एट आ गया, ठीक है अब एलसीएम क्या हमारे पास आ गया एलसीएम ऑफ वन एंड एट इज एट, ओके तो जो जो हम रैशनल नंबर्स करते थे एट क्लास में कैसे करते थे दिस आगे जाके माइनस एक्स ऑन वन प्लस वन बाई एट, ठीक है थोड़ा सा उसको एक्सटेंड किया एक्सटेंड किया एक्सटेंड किया मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, ओके वन को किससे मल्टीप्लाई करोगे एट बन जाए एलसीएम बनाना है हमको एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे एट से कर दिया, वही बात वन को किससे करेंगे तो एट बन जाएगा एट से करेंगे, एट को किससे करेंगे एट बन जाए वन से करेंगे, वेरी गुड That is equals to zero. Okay. ऐसे मिल गया दोनों तीनों टर्म्स हमने लिख दिए और नीचे हमको एट बनाना तो एट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें एट बनाना इसमें वन से करेंगे क्योंकि एट वन का एट होता है, नाउ टू एट आर सिक्सटीन एक्स स्क्वायर अपॉन एट माइनस एट एक्स अपॉन एट प्लस वन इंटू वन अपॉन एट इज इक्वल टू जीरो, ओके ये क्या रहेगा सिक्सटीन एक्स स्क्वायर नीचे जो एट एट सेम हो गया ना आप लिख सकते हो अकेला ही एट ऐसे करके सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, कल को ये जब एट इधर को जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी जीरो जाएगा हो जाएगा ना एट जीरो जीरो, तो ये सारा क्या हो गया अपना एलिमिनेट हो गया, ये क्या हो गया अपना एट जीरो सर जीरो मुझे क्या कुछ खुशी मिल जाएगा ये क्या बन गया था सो सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो एक अच्छी लग रही है और अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गया जो नॉर्मल मेथड होता है रैशनल नंबर्स को जो हम एलसीएम लेके जो फ्रैक्शन ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं वो चीज हो गया रैशनल नंबर्स के, अब ट्रिक वाला देखो मेथड, अब ट्रिक वाला देखो मेथड कैसे करते हैं देखो अपना देखो ट्रिक क्या कहती है जो नंबर 1 बाय 8 है जो नंबर क्या है 1 बाय 8 नीचे डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 8 8 है डिनोमिनेटर में दोनों डिनोमिनेटर्स में क्या है 1 1 है, इसको अकेले को छोड़ के इसको छोड़ के आप बाकी सबके साथ 8 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है a 2 सर क्या होता है 16x स्क्वायर 8x सर क्या होता है 8x, ओके और यहां पे 1 अकेला रह जाएगा क्यों क्योंकि 8 वाला क्या होता है 8 होगा क्योंकि 8 वाला क्या होता है 8 होगा और 8 नीचे भी 8 है, ठीक है तो 8 8 कट जाएगा क्या होगा 1 आएगा, इसलिए मैं पहले कह रहा हूं कि यहां पे लिखने की बजाय यहां पे मत देखो सिर्फ इसको लिखो 8 2 = 16x स्क्वायर 8x = 8x और यहां पे सिर्फ 1 लिखूंगा और 8 0 को डिवाइड करोगे तो 0 रहेगा सॉरी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 रहेगा, बन गया क्वाड्रेटिक एक स्टेप में बन गई ना एक स्टेप में बन गई इसको कैसे
डब्बा देखो कौन सा लेना है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई वाला है, ये हमारे पास प्लस माइनस वाला है। हमको चाहिए 16 × 1, यहाँ पे चाहिए 16 और बीच में चाहिए -8। सोचो सोचो कैसे आएगा, 2 के टर्म में 16 आता है, आता है 8 पे आता है, 2 और 8 का कनेक्शन बनता है कि नहीं, 8 बनता है नहीं बनता, 4 के टर्म में 16 आता है, आता है 4 × 4 = 16 और 4 और 4 8 बनते हैं, वेरी गुड, 4 × 4 = 16 होते हैं और 4 और 4 8 होते हैं, लेकिन अब साइन देखना ना हमें, ये चाहिए पॉजिटिव ये चाहिए नेगेटिव, कैसे करेंगे, -4 - 4 - 4 - 4 क्या होते हैं -8, वेरी गुड, नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज है बट साइन विल ऑलवेज बी नेगेटिव, सो -4 × -4 - -4 पॉजिटिव 16 को, बिकॉज 4 × 4 = 16, -/- पॉजिटिव बन गया, हो गया। फर्स्ट एसिडिक आ जाएगा, लास्ट एसिडिक आ जाएगा, इसको स्प्लिट किया तो क्या बन गया, -4x - 4x, ये एक चीज होगी, दूसरी चीज होगी, ओके। 4 और 16 में से घूमने कौन जाएगा, बाहर 4 जाएगा, x में से घूमने पर x जाएगा, यहाँ पे 16 किसका आता है, 4 पे, 4 पे आता है, 4 × 4 = 16 होता है, एक x बच गया, आगे क्या बचे, दोनों बाहर चले गए, जब दोनों बाहर चले जाते हैं तब घर में कोई नहीं रह जाता, सिर्फ 1 रह जाता है, जब घर के सारे मेंबर्स बाहर चले जाए घूमने तो घर में सिर्फ 1 रह जाता है, यहाँ पे कोई कुछ कॉमन नहीं है, माइनस का साइन माइनस करेंगे, जब कुछ कॉमन नहीं है तो बड़ा चुप करके वन लिख देते हैं, ओके, माइनस का साइन माइनस का जाएगा, घर में दोनों घर में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी एक जैसे बंदे नहीं जो खेलने में इंटरेस्टेड है, बाहर घूमने में इंटरेस्टेड है, तब चुप करके वन को बाहर भेज देते हैं, अंदर कुछ बाहर नहीं जाता, अंदर सिर्फ माइनस बाहर है, तो अंदर माइनस बाहर, वो मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, जब माइनस बाहर लिखते हैं तब अंदर वाला साइन चेंज कर देते हैं। Now this bracket is equal to this bracket. Write down only one. बाहर कौन गया 4x, बाहर भी 4x माइनस वन निकला, इसको टू जीरो, 4x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, 4x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, 4x इज इक्वल टू वन, x विल बी 1/4, 4x इज इक्वल टू वन, x विल बी 1/4. So x is equal to 1/4 and 1/4. दोनों आगे 1/4 1/4. Okay? थोड़ा 4 अच्छे से डाल देते हैं, ठीक है? आपको confusion नहीं होगी बाद में, ये 4 है, ये भी 4 है। 1/4 सीधा डाल देते हैं। चलो, हो गया? ये भी थोड़ा difficult लग रहा था, लेकिन है बहुत easy. Simple trick क्या है? इसके नीचे 8 लगा, इसको छोड़ के बाकी सबके साथ 8 मिनट लगा, तो 8 × 2 = 16, 8 × 1 = 8 और 8 यहाँ पर सिर्फ 1 आ जाएगा। यहाँ पे सीधे यहाँ पे मैंने सीधे ये 4 आता है, आपको मैंने बता दिया कैसे करना है, ठीक है ना। अब इसका लास्ट हम देखते हैं कैसे करना है। ओके बेटा, लास्ट में हमारे पास 100x² - 20x + 1 = 0, ओके। 8 × 3, 100 × 1 क्या चाहिए हमको, पहले तो बनाते डब्बे, 100 × 1 चाहिए क्या, 100 चाहिए यहाँ पे, और बीच में क्या चाहिए, -20। बेटा जब नंबर्स बड़े होते ना तब सीधा तो सोचा नहीं जाता कि कैसे करेंगे, तो पता क्या क्या करो, उसको फैक्टराइज कर देते हैं, ऐसे करके 100 चाहिए ना आपको, 100 कैसे बनता है, 250 × 225 × 55 × 5 × 1, ओके। अब देखो 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 20 और 5 कितने होते हैं, 100, और 20 और 5 कनेक्शन बनता है कुछ 20 में, नहीं बनता, ये नहीं चल रहा। दूसरा देखो 2 × 5 क्या होता है, 10 होता है, और ये 2 × 5 क्या होता है, ये भी 10 होता है, 10 और 10 = 20 होते हैं, और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 होता है, समझ लगा। 2 × 5 क्या होता है, 10, 2 × 5 क्या होता है, 10, दोनों को प्लस करेंगे तो 20 बन जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाएगा, सिंपल हो गया। तो यहाँ पे क्या करें, 10 यहाँ पे क्या करें, 10 10, साइन कैसे पता करेंगे, यहाँ पे माइनस चाहिए, दोनों नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि तभी नेगेटिव होंगे तभी तो आंसर ये पॉजिटिव आएगा, सॉरी नेगेटिव होंगे तभी तो यहाँ से नेगेटिव आएगा और यहाँ से पॉजिटिव आएगा, -10 - 1 = 20 होता है, -10 - 1 = 100।
तो मैं डिस कर देता हूं, हम देखते हैं फर्स्ट एज इट इज, लास्ट एज इट इज, सेंटर वाला क्या हो गया माइनस टेन एक्स माइनस टेन एक्स, सिंगल है ये भी सिंगल है, इसको भूल जाओ, इसको देखो 10 और 100 में से 10 कॉमन होता है, x भी कॉमन होता है, यहाँ पे 10 के 10 100 का आता है, 10 पे एक x बच गया, दोनों चले गए थे बाहर, हमें कुछ नहीं बचा, घर में कुछ नहीं रह गया, यहाँ पे माइनस बाहर है, कुछ कॉमन नहीं है, तो चुप करके वहां लिख दो कुछ कॉमन नहीं है, अंदर से साइन चेंज कर दो, दोनों ब्रैकेट सेम है, ये और ये ब्रैकेट सेम है, तो वो बाहर लिख दी, बाहर वाला ये और ये भी एक चीज सेम है, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक बार ये एक बार ये, 10x इज इक्वल टू 1 तो जाके पॉजिटिव और x क्या आ गया 10 लगा 10 इसे शिफ्ट कर दो, चलो ये तो ये बन गया, ये भी सेम है सेम ही आएगा, तो 10x इज इक्वल टू जाके 1 x विल बी इक्वल टू 1/10, सो x दोनों क्या आ गए 1/10 एंड 1/10, ओके सो दिस इज द आंसर ऑफ द लास्ट सम ऑफ दिस क्वेश्चन 1, ओके बहुत इजी है, फैक्टराइजेशन बहुत इजी होती है, आप ये जो आई बटन आ रहा है ना इस पे क्लिक करके देख लो, बहुत इजी होती है, अच्छे से समझाई हुई है मैंने, ओके तो अभी हमारे पास हो गया है एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, आप प्लीज वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है, ये लेसन अच्छे से रिवाइज कर लेना, ओके, इफ यू थिंक दैट यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज 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 डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल ज्ञान नाम, ओके, वेयर वी लर्न मैथ्स कॉन्सेप्ट्स टिप्स एंड ट्रिक्स, ओके, ऑल्सो डू द आंसर्ड सॉल्यूशंस लाइक वी हैव रिसेंटली डन ओवर हियर, ओके, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ओके, इन ऑर्डर टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय चैनल, ओके, so we will meet in the next video in which we will solve the further questions of the exercise 4.2, okay, of this exercise, okay, bye bye, take care, keep learning, have a very good day, thank you.